हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रेड 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रेडॉक्स। ओके, अच्छा रेडॉक्स मतलब ऐसे मत समझना कि रेड कलर की कोई ऑक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे कुछ नहीं, जस्ट फॉर जोकिंग। ओके, तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रेड मतलब होता है रिडक्शन एंड ओ एक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को समझना है कि ये जो चैप्टर है ये हमारे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसे नीट जेई जैसे एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चंस आता ही है ये चैप्टर से। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे एक ही तो क्वेश्चन आता है, लेकिन ग्रेड 12th में जाने के बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है उसके साथ रेडॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को रेडॉक्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट हम लोग को अगर क्लियर नहीं है तो हम लोगों को बाद में जाके मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो बहुत अच्छा नंबर आता है। ठीक, तो वहाँ पे जाके भी हम लोगों को क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज क्या करेंगे, रेडॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेडॉक्स चैप्टर है इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है मीन्स नीट का जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसके बारे में भी हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि आज हम लोग कौन कौन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे हम लोग पहले ही बोला था कि हमारे जो चैप्टर है इस चैप्टर का नेम क्या है, रेडॉक्स। ओके, तो रेड मतलब रिडक्शन, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जाएगा रिडक्शन। ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, अच्छा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके बारे में बहुत मतलब स्टूडेंट्स जो है रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और लास्ट आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और इसके साथ क्या डिफरेंस है हमारे फॉर्मल चार्ज की उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैलेंसी के साथ क्या मतलब, देखो वैलेंसी और फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर तीनों डिफरेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये सब के टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसके बारे में तुम लोगों को आइडिया है, फिर भी जिन लोगों को आइडिया नहीं है उसके लिए हम लोग बहुत मतलब फर्स्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखता हूं एक साइड में ऑक्सीडेशन और दूसरे साइड में मैं लिखता हूं रिडक्शन। ठीक है, अच्छा जैसे हम लोग लोअर ग्रेड में इसके बारे में डिस्कस किए थे कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद ही किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है, ऑक्सीजन का। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन है तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन देखेंगे तो यहाँ पे अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सेम यहाँ पे भी क्या है, रिडक्शन मतलब अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, चलो तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट करके लिखते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने बोला था ऑक्सीजन एडिशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन को।
अच्छा रिडक्शन को हम लोग एक किसके रिस्पेक्ट में हो रहे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हो रहे, ठीक है। अच्छा रिडक्शन को हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पहले लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव था हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्लियर। अच्छा इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन को लिखेंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, थर्ड पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ पॉइंट में कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो चार पॉइंट है देखो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, कोई भी एक पॉइंट को अगर तुम याद करोगे और उसके रिस्पेक्ट में बाकी को देखोगे तो वो आसानी से तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो इसको हम लोग ऐसे भी मतलब सोच सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि आई एम अ गुड बॉय, तो ऐसे भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अ बैड बॉय, ठीक है। तो ऐसे सोचो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। चलो एक एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम मेटल है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड किए हैं तो यहाँ पे क्या मिल गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और जिसमें हम लोग क्या किए हैं, कार्बन को ऐड किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस CO फॉर्मेशन हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, इसमें हम लोग Cl2 ऐड किए हैं और NaCl फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब लोग बोलोगे यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हुआ है, ऑक्सीडेशन कैसे हो गया है, इस केस में आपको देखना है कि Cl2 मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसके बेसिस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था एक क्लियर हो गया है। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप लोग ऐसे कन्फ्यूज हो सकते हो कि भाई हम लोग जो पुराना जो एग्जाम्पल देखे थे वहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पुराना जो एग्जाम्पल था उसी से हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग पिछले जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें क्या हुआ था, सोडियम एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl फॉर्मेशन कर रहे थे, है ना। NaCl इसको अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं NaCl क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड किस में रहता है, आयन फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो Na है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, 2Na+ में फॉर्मेशन हुआ है ना। तो Na+ में कब फॉर्मेशन होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, है ना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जब लूज करते हैं। और Cl2 जहां पे मतलब 2Cl था, Cl2 वो किस में कन्वर्ट हुआ है, 2Cl- में कन्वर्ट हुआ है। माइनस कब होता है, जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है। तो हमारा जो पिछला जो पॉइंट था उसके साथ
इसको भी ऐड कर दो कि ऑक्सीडेशन में हम लोग लिखेंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन में हम लोग लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई थिंक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो देखो बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको लेके मेरे को पता है कि बच्चे के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है एंड ऑक्सीडेशन के साथ इसको मतलब मिक्स हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इसको एकदम क्लियर कर देंगे और इसको हम लोग समझेंगे एक स्टोरी से। ठीक है, देखो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, दो मार्कर है, एक रेड मार्कर एंड एक ब्लैक मार्कर। मान लो रेड मार्कर के पास बहुत पैसा है, ये क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, इसका कोई टेंडेंसी नहीं है पैसा लेना, खाली ये पैसा दे ही सकता है। तो हम लोग रेड मार्कर को क्या बोलेंगे, मनी गिवर। ठीक है, अच्छा ब्लैक मार्कर जो है ये बहुत ही कंजूस है, ये खाली पैसा ले सकता है, किसी से पैसा नहीं देता है, खाली पैसा ले सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे मनी टेकर, ये मनी गिवर और ये मनी टेकर। ठीक है, तो याद रखो एक गिवर है और एक टेकर है, लेकिन ये ऐसा टेकर दोस्त है कि इसको ना पैसा देने की मजबूर कर देते हैं कि मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे। तो इसके कारण ये क्या कर रहे, पैसा दे रहे। तो इसलिए ये टेकर होने के बाद भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक गिविंग एजेंट, मतलब इसको देने में, देने के लिए इसको मजबूर कर रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं गिविंग एजेंट। ठीक है ना, ऐसी कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो खुद से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो सामने वाले को, उसके सामने जो है उसको ऑक्सीडाइज होने में मजबूर कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वो अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके सामने जो है उसको रिड्यूस होने में मजबूर कर देगा। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड अदर एंड रिड्यूस itself, अपने आपको रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते। रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज itself। तो चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, सोडियम प्लस Cl2, इससे क्या बन रहा है, NaCl। तो Cl को अगर देखोगे वो क्या हुआ है, वो अपने आप को रिड्यूस किए है ना, और सोडियम को क्या कर दिए है, ऑक्सीडाइज कर दिए है। तो हम लोग Cl2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो सामने वाले सोडियम को ऑक्सीडाइज करके अपने आप Cl2 से Cl- रिड्यूस हो गया है। चलो रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे MgO रिएक्शन की है कार्बन के साथ और Mg+CO फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, देखो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, रिडक्शन, और इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो अगर हम लोग कार्बन को देखेंगे, खुद को क्या किए हैं, ऑक्सीडाइज किए हैं, और उसके सामने जो था मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको रिड्यूस कर दिए है, तो इसलिए हम लोग कार्बन को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आई थिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज, ठीक है, वो हो सकता है रियल चार्ज हो सकता है, वो इमेजिनरी चार्ज हो सकता है। अभी आप लोग बोलोगे कि रियल क्या होता है, इमेजिनरी होता है, मैं सब बताऊंगा कि कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर जो रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है, डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि द रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन अ एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो अभी तुम लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन है कि ये रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज क्या है, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए है, है ना, जैसे मान लो NaCl, तो ये जब डिसोसिएट होता है क्या फॉर्मेशन करते, Na+Cl-,
है ना। तो इसके ऊपर जो चार्ज है प्लस, इसके ऊपर जो चार्ज है माइनस, वो क्या है? रियल चार्ज। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? प्लस वन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? माइनस वन। बात समझ में? रियल चार्ज क्या है। इसके बाद हम लोग आएंगे इमेजिनरी चार्ज क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इमेजिनरी चार्ज क्या होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल CCl4, इसमें तो कोई रियल चार्ज नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? चलो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं Cl, जबकि ऐसे नहीं होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं CCl4। इसमें देखो क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या मतलब, इन दोनों के बीच में कमिटमेंट क्या हुआ था कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों इक्वली हम लोग यूज करेंगे। लेकिन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा होता नहीं। क्लोरीन क्या करते हैं? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है फॉर दिस बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, ऐसे ही इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या हो जाएगा? इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के लिए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, सेम फॉर दिस बॉन्ड डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो कार्बन के ऊपर इमेजिनरी क्या चार्ज आया है? देखो प्लस फोर चार्ज आया है, वो इमेजिनरी चार्ज। और हर एक क्लोरीन के ऊपर क्या आया है? माइनस वन आया है। इसलिए यहाँ पे कार्बन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? प्लस फोर। ठीक है, दिस इज द इमेजिनरी चार्ज। तो रियल चार्ज हम लोग देखेंगे फॉर आयनिक कंपाउंड, एंड इमेजिनरी चार्ज जो है वो हम लोग देखेंगे फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका कुछ रूल्स है, उसके बारे में हम लोग को पहले देखना है। ठीक है, सबसे पहला जो फर्स्ट रूल आता है वो क्या है? अगर कोई फ्री स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्री स्टेट और एलिमेंटरी स्टेट, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो। एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो क्या है, सोडियम है, एन ए, कोई चार्ज नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आए। मान लो ओ टू है, एन टू है, सी एल टू है, ये सब में कोई भी चार्ज नहीं। ओ टू को देखोगे ऐसे ओ डबल बॉन्ड ओ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ क्या है? ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, कोवेलेंट बॉन्ड तो है लेकिन दोनों तरफ क्या है? नाइट्रोजन एटम, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। Cl2, Cl और Cl दोनों तरफ क्या है? Cl है, इक्वली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए किसी के तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, किसी के तरफ इलेक्ट्रॉन कम नहीं जा रहा है, तो जिसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो सेकंड रूल क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वन में जितने एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हेलिना की राबसेफरियत, ऐसे करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। सबका क्या है? ये सब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है। इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाना, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? प्लस वन हो जाता है। समझ में आए? इसके बाद थर्ड रूल, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू इन द पीरियोडिक टेबल, कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सब क्या है? क्या होता है? इसका दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का टेंडेंसी रहता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है? प्लस टू होता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन का है, वो जहां पे रहेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑलवेज माइनस वन होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। रूल नंबर फाइव, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है? वेरी करता है, चेंज होता है। जनरली क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ जनरली,
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? माइनस टू होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो Na2O, इसमें मतलब ये क्या है, ऑक्साइड है। कहां पे होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में इन ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड फॉर्म में है तो इस केस में क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पारोक्साइड। पारोक्साइड क्या होता है, जहां पे क्या होता है, ओ बॉन्ड होता है, ओ बॉन्ड। इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, माइनस वन। एग्जाम्पल क्या है, जैसे H2O2, मैं दिखाता हूं कैसे होता है। देखो H2O2 है, H2O2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो HOOH ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हर एक बॉन्ड के लिए तुम लोग देखो, जैसे मान लो ये जो बॉन्ड है, इसके लिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस वन। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस वन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग ए वाला जो बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग देखेंगे दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए कोई भी चार्ज नहीं आएगा फॉर दिस बॉन्ड, फॉर दिस कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम लोग जब इस बॉन्ड में आएंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसके लिए यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस वन। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहे हैं, माइनस वन आ रहे हैं हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन हो जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, Na2O2 ले सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट जो सुपर ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन का, उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, माइनस हाफ हो जाता है। ठीक है, ऑक्साइड के लिए माइनस टू हो गया, पारोक्साइड के लिए माइनस वन हो गया। इसके बाद लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कब बनाते हैं, जब ऑक्सीजन एल्कली मेटल के साथ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाफ हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, KO2। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो जैसे पोटेशियम का है के प्लस है, प्लस वन है, तो वही माइनस वन यहाँ पे क्या होगा, दो ऑक्सीजन के ऊपर है, तो एक ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसलिए इस केस में इसका क्या हो जाता है, माइनस हाफ हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरिन के साथ होता है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो F2O, ठीक है, और इस केस में क्या होता है, देखो फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे क्या हो जाता है, ऐसे मान लो फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके लिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितने चार्ज आ रहे हैं, प्लस टू, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लो O2F2 है, इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। कैसे, स्ट्रक्चर लिखो क्या है, जैसे FOOF, ठीक है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस वन, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंपेयर करोगे, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस वन, देन प्लस वन, और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के लिए कुछ भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, ऑक्सीजन है, और इस साइड में माइनस वन, तो इस केस में क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन। अल्टीमेटली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, अगर ऑक्साइड है तो माइनस टू, अगर पारोक्साइड है तो माइनस वन, अगर सुपर ऑक्साइड है तो माइनस हाफ, अगर फ्लोरिन के साथ है कंपाउंड ऐसे टाइप का है तो प्लस टू हो सकता है, पर अगर ऐसे टाइप कंपाउंड है तो इस केस में प्लस वन भी हो सकता है। इतने सारे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। देखो जनरली क्या होता है, इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस वन होता है, ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसके साथ है, एल्कली मेटल के साथ है, एल्कली मेटल जनरली मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्राइड NaH, इसमें सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके ऊपर प्लस वन आएगा, इसके ऊपर माइनस वन हो जाएगा, तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन भी है
और माइनस वन। लास्ट जो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड शुड बी इक्वल विद द नेट चार्ज ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें लिख सकते हो ऐसे करके द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल विद द नेट चार्ज ऑफ द कंपाउंड। ठीक, इसका मीनिंग क्या है देखो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं के एम एन ओ फोर, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें मेरे को पता है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक ग्रुप वन का एलिमेंट है तो इसका है प्लस वन है। ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, माइनस टू होता है। लेकिन मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मान लो, ये तुमको आइडिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मैंगनीज का। तो ये जो पूरा कंपाउंड है KMnO4, इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो एक पोटेशियम है तो हम लोग प्लस वन लिखते हैं, इसके बाद एक मैंगनीज है इसके लिए एक्स लिखते हैं, इसके बाद क्या है चार ऑक्सीजन है और इच ऑक्सीजन के लिए क्या है माइनस टू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर इंटू माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरे को क्या मिला है, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या बोला गया है, ए किसके साथ इक्वल होना चाहिए, ये जो पूरे कंपाउंड है इसका जो नेट चार्ज है। देखो इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो कैलकुलेट करोगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस सेवन हो गया। तो इसका मतलब है मैंगनीज जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, प्लस सेवन हो गया। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ऐसे करके कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट्स है K2Cr2O7, ठीक है, इसमें मान लो तुमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। पोटेशियम का पता ही है वन होता है, दो पोटेशियम है तो हम लोग लिखेंगे प्लस टू, प्लस टू क्यों, समझ में आ गया। क्रोमियम का कितना होता है हम लोग को पता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x है। क्रोमियम कितना है भाई, दो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू एक्स लिखेंगे दो क्रोमियम के लिए। इसके बाद क्या है, सात ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन के लिए माइनस टू है, तो इससे क्या हो गया, मेरा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K2Cr2O7 मिल गया है। और एक किसके साथ इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द नेट चार्ज ऑफ दिस कंपाउंड। नेट चार्ज क्या है, कोई चार्ज है क्या कंपाउंड, कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए जीरो। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो, तो टू एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, सिक्स। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिक्स है, प्लस सिक्स। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे कंपाउंड जो है उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इस फॉर्मूला से अगर हम लोग हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक कंपाउंड में निकालेंगे तो उस केस में क्या क्या हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग और भी एक चीज सीखेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो उसको सीखते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, और एक कंपाउंड जो है वो भी थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल है, उसके लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे मान लो तुमको बोला गया है कि Fe3O4 एक कंपाउंड
गिवन है Fe3O4, इस कंपाउंड में तुमको आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में अगर तुम उस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे? हम लोग आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो हम लोगों को आइडिया नहीं है, हम लोग मानते हैं एक्स, थ्री है तो टोटल क्या हो जाएगा 3x, कितने ऑक्सीजन है 4 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन का -8 हो गया, इक्वल्स टू कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड के ऊपर, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इससे तुम x कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है -8/3। तो ये जो आया है -8/3, ये क्या होता है Fe3O4 इस कंपाउंड में आयरन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ऑप्शन में -8/3 है और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया है तो तुम लोग -8/3 लिख के आ सकते हो, लेकिन अगर इसमें खाली आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं तो क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से देखोगे Fe3O4 जो है ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं Fe2O3.FeO, इस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखेंगे, इस केस में देखो अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2x-6=0, तो x क्या हो गया +3, आई थिंक समझ में आ गया क्यों। तो यहाँ पे क्या है +3 स्टेट में है। अगर FeO में तुम देखोगे तो एक ऑक्सीजन के लिए -2 है तो आयरन के लिए क्या हो जाएगा +2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि Fe3O4 में आयरन जो है +3 और +2 दोनों स्टेट में रहता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में मान लो बोला गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe और ऑप्शन में गिवन है +3 और +2 दोनों गिवन है तो हम लोग उसको देखेंगे, तब हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखेंगे। अगर ऑप्शन में ए गिवन नहीं है और -8/3 है तब हम लोग उसको लिख सकते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आई थिंक समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ कंपाउंड्स जो है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें मिस्टेक हो जाएगा, इस केस में हम लोग को क्या करना है स्ट्रक्चर से डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आता है कैरोस एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO5, ठीक। हम लोग इसका कैलकुलेशन भी करेंगे और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर से भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलो देखते हैं कैलकुलेशन करने से क्या प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग लेंगे हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन है तो +2, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को मान लो फाइंड आउट करना है। कैरोस एसिड में तुमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना आता है, तो हम लोग सल्फर का मान लेते हैं x और 5 ऑक्सीजन है तो -10=0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे देखो 8 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, सल्फर जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको स्ट्रक्चर से देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे ही सल्फर आता है, एक बात याद रखना सल्फर में क्या होता है ऐसे टाइप एसिड में डबल बॉन्ड ओ, इसके बाद ओ और ओ ऐसे करना है, ठीक है। अगर ये H2SO4 है, जैसे यहाँ पे H2SO5 है, पहले हम लोग H2SO4 के लिए देखेंगे। अगर ये H2SO4 है तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में और एक H लगाएंगे और इस साइड में और एक H लगाएंगे, हो गया H2SO4। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि H2SO5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन और इसके बाद हम लोग H को लगा दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा H2SO5। इसमें मेरे को देखना है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मेरा वो जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करो। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया +1।
फॉर दिस बॉन्ड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस वन प्लस वन, फॉर दिस बॉन्ड माइनस वन प्लस वन, फॉर दिस बॉन्ड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस वन प्लस वन, फॉर दिस बॉन्ड प्लस वन माइनस वन, समझ में आ रहा है, फॉर दिस बॉन्ड माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो सल्फर के सामने देखो टोटल कितने प्लस वन आया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसका मतलब है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस सिक्स, जबकि हम लोगों को कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया था, एट। तो ए गलत है, ए करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक ऑक्सीजन जो है वो पारोक्सो बॉन्ड में है, जिसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है माइनस वन है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वन है, कब किसके लिए, ए वाले जो बॉन्ड है इसके लिए यहाँ पे माइनस वन आया है, ये माइनस वन ए वाले बॉन्ड के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, कैरोस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होता है। इसके बाद आता है मर्सल एसिड, ठीक है, H2H2O8, ठीक है। इसमें भी अगर तुम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बाय कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, देखो मिस्टेक क्या है, प्लस टू, दो सल्फर है तो 2x करोगे, इसके बाद माइनस आठ ऑक्सीजन है तो 16 करोगे, इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा इसमें 2x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 14, तो x के लिए आ गया यहाँ पे 7, ठीक। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पे एस टू है, दो बार एस है, तो चलो दो बार एस लिखते हैं, एस और एस। इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर एस है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बंड ओ डबल बंड ओ डबल बंड ओ डबल बंड ओ, इसके बाद साइड में ओ साइड में हो, ऑक्सीजन टोटल कितना हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अभी भी मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, लगाओ ऐसे ओ ओ बस हो गया। इसके बाद एच और एच, H2H2O8 हो गया। सेम टाइप देखो यहाँ पे दो बॉन्ड है, जिसके लिए इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू आएगा, यहाँ पे प्लस टू आएगा, कैसे आया है समझ में आ गया, पिछले जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे भी क्या है प्लस टू माइनस टू हो गया। अच्छा, फॉर दिस बॉन्ड माइनस वन प्लस वन, फॉर दिस बॉन्ड माइनस वन प्लस वन, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है यहाँ पे, प्लस सिक्स हो गया है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसमें भी सेम आ जाएगा, सेम कैलकुलेशन, यहाँ पे भी प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, तो कैलकुलेशन के साथ ये मैच नहीं हो रहा है ना, तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है, जो कैलकुलेशन से जो प्लस सेवन आ रहा है ये गलत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं करना भूल गया था, वो जो कैलकुलेशन से हम लोग किए थे, इसमें अगर मान लो कोई कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, उसमें चार्ज भी लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं भूल गया था, जैसे मान लो सल्फेट है, SO4 माइनस टू है ना, इसमें तुमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग एक्स मानेंगे, चार ऑक्सीजन है तो माइनस एट लिखेंगे, इक्वल्स टू, देखो इससे पहले जितने कंपाउंड था उसमें कोई चार्ज नहीं था तो हम लोग जीरो लिखे थे, लेकिन यहाँ पे माइनस टू है तो हम लोग माइनस टू लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो प्लस सिक्स आ जाएगा। सेम जैसे मान लो PO4 माइनस थ्री है, ठीक है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को फाइंड आउट करना है, तो X माइनस क्या हो जाएगा 16, सॉरी नॉट 16, माइनस एट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री क्यू है, ठीक है, तो X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस फाइव, ठीक है। तो ऐसे करके अगर चार्ज गिवन है तो हम लोग को जीरो नहीं लिखना है, जो चार्ज गिवन रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, जो हम लोग एक्सेप्शनल के केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चलो और भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है, CrO5। इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा याद रखना है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कैसे होता है, जैसे बटरफ्लाई होता है, देखो ऐसे करके याद रखना, ठीक है। ओ ओ ये हमारा बटरफ्लाई का विंग हो गया, और कोई भी एक साइड में ऐसे डबल बंड ओ करोगे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है।
देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, सॉरी क्रोमियम, तो जिसके लिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो बॉन्ड है जिसके लिए माइनस टू आएगा, तो क्रोमियम के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, है ना। अच्छा ये जो बॉन्ड है, फॉर दिस बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया माइनस वन प्लस वन, फॉर दिस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए तो माइनस टू हुआ था ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया प्लस वन माइनस वन। सेम यहाँ पे भी देखो सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया इसके लिए प्लस वन माइनस वन, और ये जो बॉन्ड है इसके लिए माइनस वन प्लस वन, तो टोटल कितने चार्ज हो रहा है, वन टू थ्री फोर और प्लस टू सिक्स। तो क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे, प्लस सिक्स, तुम कैलकुलेट करके देखो प्लस सिक्स नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर से बनाएंगे कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऐसे लास्ट और एक कंपाउंड का मैं करके दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ कुछ होम टास्क रहेगा तुम्हारा जो तुम लोगों को करना है, ठीक है, और उसको ट्राई करके देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है। ट्राइब्रोमो बोले हैं, ऑक्टा ऑक्साइड बोले हैं, Br3O8, ऑक्टा मीन्स 8 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है। देखो इसमें भी तुम कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो ब्रोमीन का, तो गलत हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कैसे, ब्रोमीन है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीन ब्रोमीन को ऐसे लिखो, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, इसके बाद ऐसे डबल बॉन्ड ओ 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 देन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये है मेरा ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसके लिए माइनस टू, ब्रोमीन के ऊपर प्लस टू, डबल बॉन्ड है माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे, प्लस सिक्स आ रहा है। तुम लोग बोलोगे इस साइड में इस बॉन्ड को हम लोग क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है भाई, तो ब्रोमीन है तो हम लोग क्यों मानेंगे उसको, क्योंकि ब्रोमीन और ब्रोमीन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, है ना। अच्छा मिडिल में जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन के लिए देखो क्या है, माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू, डबल बॉन्ड माइनस टू यहाँ पे आ गया प्लस टू, तो ये जो ब्रोमीन है इसका क्या आ रहा है, टोटल प्लस फोर आ रहा है, इस बॉन्ड के लिए कुछ नहीं आएगा क्योंकि सेम ब्रोमीन और ब्रोमीन। ऐसे टर्मिनल ए वाला जो ब्रोमीन है, इस यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, जैसे इसमें आया था प्लस सिक्स, इसमें भी आएगा प्लस सिक्स, ठीक है ना। तो देखो ये जो एक एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, मिडिल में जो ब्रोमीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल तीनों ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 3, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं और कुछ कंपाउंड मैं दे रहा हूँ जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को अपने से रिसर्च करना है, वो क्या है, ट्राइब्रोमो डाइऑक्साइड, सॉरी ट्राइकार्बन डाइऑक्साइड, ट्राइकार्बन, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, इसमें क्या है, ट्राइकार्बन डाइऑक्साइड, होम टास्क रहेगा ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राइकार्बन बोले है तो C3O2, ठीक है। और एक करना सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2
H4O6। ठीक है, ये दो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा तुम लोग अपने से कैलकुलेट करके, स्ट्रक्चर से होगा, ये सब स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग कैसे होता है, रेडॉक्स में हम लोग कैसे बैलेंसिंग करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है,